अब हम लोग जा रहे हैं, बैग मेरा रेडी है। नीचे जा रहे हैं, तो गाइस अब जा रही हूँ नीचे, क्योंकि आज हम लोग का सफर शुरू है। और देखिए मैं कल वाला ही ड्रेस पहनी हूँ, कोई दूसरा ड्रेस चेंज नहीं की हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदा करूँगी तो ज़्यादा फिर परेशानी होगी, तो यही ड्रेस पहन के मैं जा रही हूँ। लिफ्ट खुल गई, दो दो बैग लेके मुझे जाना पड़ता है। दोनों बैग को यहाँ पे रख दी हूँ, अब हम लोगों को यहाँ वेट करना पड़ेगा। अब मेरे पापा ऊपर से आएंगे, उसके बाद फिर एक साथ निकलेंगे हम लोग। गाड़ी आ गई है, अब लगेज वो उसको हम गोद में बैठा लेंगे। तो देखिए गाइस हम लोग एयरपोर्ट आके पहुंच गए हैं 3 टर्मिनल्स पे, और सारा चेकिंग वगैरह करके अभी हम लोग 49 टर्मिनल्स पे आके पहुंचे हैं। तो मम्मी पापा उधर बैठे हुए हैं। तो गाइस बहुत भूख लगी है, और खाने का तो फ्लाइट में देगा नहीं शायद, तो यहीं पे खाना होगा हम लोग को एयरपोर्ट पे। तो मेरे हबी और मेरी बेटी गई है कुछ लाने के लिए, तो वो लोग लेके आएंगे, तब हम लोग खाएंगे। और हम लोग जा रहे हैं आज कश्मीर, आज सरप्राइज टूट गया आप लोगों का। और देखते हैं वहाँ पर, सुनते हैं कि हम लोग वहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह मतलब डाउनलोड या कुछ कर नहीं सकते, वीडियो भी डाउनलोड शायद नहीं कर सकते हैं। तो मैं घर आके ही सारा वीडियो डाउनलोड करूँगी, अपलोड करूँगी। अगर वहाँ पर कर सकूँगी तो कर दूँगी, नहीं तो घर आके सारा कश्मीर का वीडियो अपलोड करूँगी, सारा ब्लॉग अपलोड करूँगी। आप लोग तब देखना और इन्जॉय करना। यहाँ पर पापा मम्मी बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। तो गाइस मैं एयरपोर्ट में बैठी हुई हूँ, और बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मेरे हबी और बेटी ब्रेकफास्ट लेने गए हैं, तो वो लोग का वेट कर रही हूँ। और वो लोग आएंगे तो फिर सबको एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। तो पापा मम्मी पापा ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हेलो माई टू फैमिली, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबको रौनकी किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आज आप लोगों का सरप्राइज ख़त्म हो गया, आज मैं जा रही हूँ कश्मीर, दिल्ली से कश्मीर जा रही हूँ। दिल्ली में कुछ दिन स्टे की थी, क्योंकि मेरे पापा में मम्मी और हबी का चेकअप करवाना था। तो आज मैं फ्लाइट पकड़ ली हूँ और मैं जा रही हूँ कश्मीर। देखिए मेरा फ्लाइट चेकअप भी कर चुका है, और मैं आसमान में भी उड़ रही हूँ। और देखिए आज जो है मैं कश्मीर 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी, और देखती हूँ अगर कश्मीर में हो सके तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि
पता चला है कि फ़ोन वहाँ पे नहीं चलता है, नेटवर्क भी नहीं रहता है, तो अगर वहाँ पे जो मेरे बाजी की लड़की रहती है उसका फ़ोन से अगर मैं कनेक्ट कर सकूँ तो मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगी, नहीं तो नहीं कर पाऊँगी, तो मैं घर आके करूँगी, ये तो मैंने पहले ही कह दिया है। तो देखिए मैं आसमान पे उड़ रही हूँ अभी, और यहाँ का जो नज़ारा देखने में जो अच्छा है, क्या बताऊँ, इसका व्यू देखते देखते मैं पूरा कश्मीर जाके पहुँची। और इसका अगर व्यू पूरा नहीं देखे तो बेकार है, क्योंकि ऊपर से पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है और आसमान दिख रहा है, बर्फ़ दिख रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया, और ऐसे करते करते हम लोग लैंड भी कर चुके। तो देखिए आज का कश्मीर का ये ब्लॉग, और पूरा व्यू देखिए आसमान से, और इंजॉय कीजिए, और बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा मेरा ये आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और शेयर तो खूब से खूब ज़्यादा करना गाइस। तो देखिए देखते देखते हम लोग कश्मीर पहुँच भी गए, और लैंडिंग करने जा रहा है हम लोग का फ्लाइट। ऐसे करते करते हम लोग का फ्लाइट लैंड भी कर चुका, हम लोग को पता ही नहीं चला एक घंटा कैसे गुजरा, कुछ भी पता नहीं चला। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, और कश्मीर देखने का मेरा बहुत दिन से सपना था, तो आज वो सपना मेरा पूरा हो गया। और कश्मीर देख के तो ऐसा लग रहा था कि मैं कौन सा देश में पहुंच गई, इंडिया में हूँ ही नहीं ऐसा लग रहा था। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी मेरे साथ साथ कश्मीर देखिए और फुल इंजॉय कीजिए। देखिए हम लोग लैंड कर चुके हैं। मैं श्रीनगर पहुंच भी गई, और श्रीनगर एयरपोर्ट का कुछ भी नहीं ले पाई, शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मना कर दिया था, फ़्लाइट में ही कह दिया था यहाँ पर शूट करना, फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं की थी डर के मारे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस लगी हुई थी, बड़ा बड़ा राइफल लेके खड़ा था, तो पुलिस को देख के तो मुझे इतना डर लगने लगा। तो हम लोग की गाड़ी आ गई थी, तो उसी गाड़ी में हम लोग बैठ गए, सबको एक साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, और मेरे पास में जो है लगेज पूरा भरा हुआ है, और मैं सबसे पीछे बैठी हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे पीछे बैठना ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब हर वक्त पीछे ही बैठ के रहती हूँ। तो देखिए मैं पीछे बैठ के अपना शूट कर रही हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ साथ चलिए, मैं जहाँ जा रही हूँ आप लोग चलिए और इंजॉय कीजिए। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि हम लोग होटल नहीं गए थे, क्योंकि मेरी बाजी की लड़की है श्रीनगर में रहती है, और उनका हस्बैंड है श्रीनगर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, तो ये सब जितना भी देख रहे हैं सब क्वार्टर है, तो हम लोग का घर रहते हैं, हम लोग होटल में नहीं रह सकते, इसीलिए हम लोग उसी के घर जाके पहुँचे, वहीं पे हम लोग को रहना है। बस हम लोग हाउस बोट पे जाएंगे, हाउस बोट पे रहेंगे, उसका भी ब्लॉग शेयर करूँगी मैं आप सबको। तो गाइस मेरा ब्लॉग यहीं तक है, इधर से ऊपर है, मैं आप सबको दूसरा नया ब्लॉग शेयर करूँगी, उसके लिए टाटा बाय बाय। आपको पहचाना बजाना सीख गया बाबू, बजाना सीख गया। ए, वो तो निकलता नहीं, जोर से मारना पड़ेगा ना, जोर से नहीं, और जोर से नहीं कर पाएगा।
वो असल में पूरा मुंह में नहीं घुसा पा रहा है ना, इसीलिए वो अभी तक कभी किया नहीं है ना। हाँ, यहाँ पे गर्म पानी आता है फिर। अच्छा, गीजर लगा हुआ है ऊपर नीचे? और ऊपर नीचे दोनों जगह, तब तो कोई बात नहीं। वो